डॉक्टर बरखा के इलाज से मैंने कई निसंतान औरतों की गोद भरते हुए देखी है। मेरा दिल कहता है तुम्हारी गोद भी जरूर भरेगी। सोचो भी ना, जब मैं माँ बन जाऊंगी तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। खुशी? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा खुशी होगी। सोचो ना, जिस दिन ऐसा हो गया वो कितना बड़ा दिन होगा हमारे लिए, है ना? राजेश जरूर बिजनेस करेगा, वो भी अपने पापा के पैसों से। शादी को कितने वक्त हुए हैं? डॉक्टर, दरअसल शादी को तो 5 साल हो चुके हैं, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही मुझे तो लगा था कि अब बस मैं माँ बन जाऊंगी और मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशी आएगी, लेकिन डॉक्टर बरखा, आप तो समझ सकती है ना, शादी के इतने साल गुजर जाने के बावजूद अगर एक औरत को औलाद का सपना मिले तो वो औरत कैसे कश्मकश में गुजरती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसे कई केसेस हैंडल की। एक लेडी कंप्लीट तब होती है जब वो माँ बनती है। सोनोग्राफी से हमें सब पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। चलिए आइए आप मेरे साथ। हे भगवान, सोनाली की गोद भर दो, उसे उसे औलाद का सुख दे दो। मैं बहुत उम्मीद के साथ उसे यहां लेकर आई हूं। सोनाली जी, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप माँ बन सकती हैं। सच डॉक्टर, तो मैं माँ बन सकती हूँ? सोनाली हारिका, डॉक्टर ने क्या कहा? सोनाली जी, आप अपने पति को एक बार ले आइए। लेकिन डॉक्टर, वो किस लिए? हो सकता है कोई कमी आपके हस्बैंड में हो। इम्पॉसिबल डॉक्टर। सोनाली, एक बार डॉक्टर बरखा के कहने पर विनय जी को यहाँ लेकर तो आओ, इसमें हर्जी क्या है? जब तक डॉक्टर को सही कारण नहीं पता चलेगा तो डॉक्टर इलाज कैसे शुरू करेंगी? सोनाली जी, बोलो निहारिका, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ये तो एक गुड न्यूज है, ये एक बहुत अच्छी खबर है कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम माँ बन सकती हो। नहीं निहारिका, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो हैरान हूँ। हैरानी किस लिए? दरअसल मुझे डॉक्टर बरखा की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने मॉरिशस में एक बार नहीं 3-3 बार टेस्ट करवाए थे। तो वहाँ क्या कहा था डॉक्टर्स ने? वहाँ तो डॉक्टर्स ने यही कहा था कि कमी मुझ में है और इस प्रॉब्लम की कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। देखो, मैं डॉक्टर बरखा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है और इस तरह के केसेस वो दिन रात बहुत कामयाबी के साथ हैंडल करती है।
बात पूछूं? पूछूं? तुमने कभी विनय का चेकअप कराया है? विनय का चेकअप? क्यों? सोनाली, डोंट माइंड, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कमी पति में होती है, लेकिन पांचपन का दोष सिर्फ बेचारी पत्नी को ही दिया जाता है। देखो, ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मेरे पास कई बार इस तरह के मामले आते हैं जहाँ पत्नी पर बांझ होने का आरोप लगाया जाता है और उसे तंग किया जाता है, लेकिन जब पति का चेकअप होता है तब असलियत पता चलती है कि दोष पत्नी में नहीं पति में था। मेरी बात मानो, तुम एक बार विनय का फिर से चेकअप तो कराओ। लेकिन हो सकता है विनय को अच्छा ना लगे। सुनार जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? विनय जी एक पढ़े लिखे इंसान है, आई एम श्योर वो ऐसी बातों को जरा भी माइंड नहीं करेंगे। तुम एक बार विनय को डॉक्टर बरखा से मिला तो दो। ठीक है, मैं विनय से बात करके देखती हूँ। एनीवेज, थैंक्स फॉर एवरीथिंग निहारिका। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। मुझे जाते वक्त मंदिर भी जाना है। आर यू श्योर? यस। चलो। इनको बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। मैं पापा से बात करूंगी, राजेश जरूर बिजनेस करेगा, वो भी अपने पापा के पैसों से। ये मेरा वादा है भाई तुमसे। सोच रहे हो था? सुरेखा, मैं सोच रहा था कि तुमने राजेश और मधु को पैसों के लिए कह तो दिया है, लेकिन अगर पापा ने मना कर दिया तो? मैं भी इसी बात से परेशान हूं कि अगर पापा ने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे। तुम्हें एक बार तो पापा से बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पापा से कैसे बात करूं। तुम मुझे बताओ ना कि मैं पापा से कैसे बात करूं। देखो, तुम पापा को समझा कर कहना कि राजेश अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके लिए उसे पैसे चाहिए। अब बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना मधु और राजेश को ऐसा लगेगा जैसे हमारी नीयत में खोट है, हमने उन्हें पैसों की झूठी तसल्ली थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं सुरेखा, मेरा तुम्हारे साथ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, और पता नहीं ये बात सुनने के बाद पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। भाई के रिश्ते का मान रखने के लिए मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि पापा मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। शायद वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाए।
हे जगत जननी, आप तो अंतर्यामी हैं। भक्त के दिल में क्या छिपा है और वो क्या चाहता है, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। माँ, हो सके तो निहारिका से मुझे एक बार, सिर्फ एक बार फिर से मिला दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। माँ, मुझे अंधेरे से उबारो। माँ, कब उजालों की किरणों से मेरा जीवन रोशन होगा? आपके द्वार पर आकर मैं हमेशा आपसे यही मांगती हूँ कि मुझे मेरे हमसफर से मिलवा दो। आप मुझसे ये तन्हा सफर नहीं जिया जाता। माँ, नहीं जिया जाता। अरे अश्विन, तुम? हेलो निहारिका, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ। चलो कहीं चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करते हैं। नहीं, एक्चुअली वो मुझे आज जरा, आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें कैसे भी करके मेरे साथ चलना ही होगा, प्लीज। ठीक है। गणी भाई, मुझे कुछ समय के लिए 1,00,000 रुपए चाहिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, बहुत जल्द मैं लौटा दूंगा आपके पैसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर मलिक के दामाद और ऊपर से घर जवाई, आपको पैसे की जरूरत आ गई और वो भी सिर्फ 1,00,000 रुपए। ऐसी क्या तंगी आ गई? वो क्या है ना गनी भाई, कि कुछ जरूरतें ऐसी होती है जिसके लिए ससुर जी से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मैं थोड़ा स्वाभिमानी आदमी हूँ। हाँ, ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप बहुत ही स्वाभिमानी आदमी। इसीलिए तो ससुराल में रहने के बावजूद भी आप ससुराल का एहसान नहीं देते। कब चाहिए आपको? जितनी जल्दी हो सके। कब लौटाएंगे? गनी भाई, एक्चुअली मेरी पेमेंट्स कहीं पर अटकी हुई है। जैसे ही पेमेंट्स मेरी मिल जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपका कर्जा वक्त पर लौटाया है। विनय बाबू, आप चिंता मत कीजिए, आप पर पूरा भरोसा है मुझे, आपको कल पैसे मिल जाएंगे। और कुछ? नहीं, बस गनी भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ।
अरे भाई साहब कम ऑन यार, आज हम ठीक 7 साल 8 महीने और 9 दिन के बाद मिल रहे हैं। Oh my God, तुमको तो एक-एक पल, एक-एक घड़ी अच्छी तरह से याद है। अच्छा ये बताओ, तुम इतने दिन कहाँ थे? और ये पुलिस की नौकरी कब से ज्वाइन कर ली? तुम ही तो कहा करती थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक दिन बहुत बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनो, और मैं बन गया। अच्छा मैं ऐसा कहा करती थी? खैर छोड़ो, ये बताओ कि जिंदगी में और क्या चल रहा है? शादी की? नहीं। क्यों, कोई पसंद नहीं आई? नहीं। अब तक जिस लड़की को भी मैंने अपना जीवन साथी बनाना चाहा, उसमें कोई खूबी ही नजर नहीं आई। कैसी खूबी? वही जो तुम्हारे अंदर है। एनीवे, खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारी कैसी चल रही है मैरिज लाइफ? मैरिज लाइफ बहुत अच्छी। इनफैक्ट मैं इतनी खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अब कभी कभी तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे हद से ज्यादा प्यार करने वाला पति मिला। निहारिका, तुम खुद ही इतनी प्यारी हो तो तुम्हें तुम्हारा पति इतना प्यार क्यों नहीं करेगा? अब मैं तुमको उसकी खास बात बताऊं? बता। राहुल ना मेरी हर जरूरतों का ख्याल रखते हैं, कपड़े, ज्वेलरी, यहाँ तक कि रोज नई नई गिफ्ट लेकर आते हैं। इनफैक्ट मैं तो उन्हें कई बार हाथ जोड़कर मना करती हूँ कि बस राहुल बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। लेकिन वो है कि मानते ही नहीं। उनका तो बस एक ही डायलॉग रहता है, निहारिका तुम्हें कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। और पता है, थोड़ी देर के लिए भी काम से दूर चली जाओ ना तो राहुल के 10 फोन आ जाते हैं, कहते हैं वो मुझे मिस कर रहे हैं। सच में राहुल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत गर्व करती हूँ अपने राहुल पर। जो पति अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो वो वाकई गर्व करने के लायक है। मैं एक बार तुम्हारे पति से जरूर मिलना चाहूंगा। यकीन मानो मुझे राहुल से मिलकर बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। तो अपना फोन नंबर और एड्रेस तो दो। वो एक्चुअली क्या है ना, अभी तो वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। कोई बात नहीं, जब वो आ जाएंगे तब मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन मुझे अपना नंबर तो दे दो। बोलो। रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप मां बन सकती हैं। आप अपने पति को एक बार ले आइए, हो सकता है कोई कमी आपके हस्बैंड में हो।
सोनाली क्या सोच रही है? याद है जब मुझे प्रोविडेंट फंड मिला था तो तुमने क्या कहा था? पापा इसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर। और आज तू मुझे सलाह दे रही है कि मैं अपने बुढ़ापे की पूंजी को जलाकर खाक कर दूं? डॉक्टर साहिबा, मुझे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है अपनी औलाद नहीं होने का। अरे राजेश कारोबार करना चाहता है, पापा है वो उसके, अगर पापा उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन उसकी मदद करेगा?